गाइस अभी हम बैठे हैं और जैसे कि यहाँ पे आप आओगे ना तो सुख यहाँ पे और पूरा भीड़ जो है अलग ही है लेवल का भीड़ है। बहुत मतलब खूबसूरत तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है, क्या अलग अलग चीज़ें बच्चे लोग की खेलने की चीज़ें। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? और अभी हम लोग निकल रहे हैं हरे राम हरे कृष्णा अंधेरी की तरफ, जू की तरफ, तो चलते हैं। और कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब मस्त होंगे। तो आज है संडे का माहौल और आज हम लोग निकलने वाले, तो आज भाई का बर्थडे भी है तो चलते हैं। अभी थोड़ा सा दीप्ति और मैं निकलेंगे, विपिन भाई वेट कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों, गाड़ी हो गई रेडी और अभी हम लोग निकलेंगे गाड़ी से। दीप्ति अभी आने वाला है तो अभी आएगा, तो उसके बाद हम लोग निकलेंगे। गाड़ी निकालो दीप्ति भाई, बैग दे दो। दीप्ति भाई रेडी हो चुका है, वो अपना हेलमेट को निकालेगा बाहर चलेंगे। देखिए आज का माहौल, देख रहे हो। तो चलिए दोस्तों, मैं निकल रहा हूँ और विपिन वेट कर रहा है, तो अभी हम लोग पहुंचेंगे जस्ट 2 मिनट में और वहां से फिर साथ में हम लोग निकलने वाले हैं। तो चलिए फिर चलते रहिए, बनते रहिए। तो आज का मौसम भी देख रहे हो दोस्तों, कितना सुहाना सा लग रहा है। सुबह सुबह 8 बज रहे इस समय और हम लोग निकल रहे हैं अंधेरी की तरफ, यानी कि जो है इस्कॉन टेम्पल इसका नाम है। और अभी हम लोग वहाँ पहुंचेंगे और फिर उसके बाद दर्शन वगैरह करेंगे, तो मजा आने वाला है दोस्तों। आप लोगों को ये सब चीज़ें भी दिखाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग देखोगे और अच्छा लगेगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़े देर में। तो जैसे कि हम लोग अभी पहुंच गए और विपिन भाई मिल गए, तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। और अभी हम लोग निकलने वाले हैं, तो देखो आज का बर्थडे बॉय जो है। और अभी हम लोग जस्ट यहाँ से निकलेंगे, बस 2-4 मिनट में एक बंदे का वेट कर रहे हैं, फिर आप लोग को दिखाया जाए। तो अभी जस्ट हम लोग निकल रहे हैं और जैसे कि अभी वो बंदा तो नहीं है, तो फिलहाल हम लोग अभी आगे और निकलेंगे। तो ये सुबह का देखो दोस्तों किस तरीके का दिखाई दे रहा है, नाहर की बिल्डिंग्स है दोस्तों, काफ़ी महंगी है, देख सकते हो आप लोग नाहर बिल्डर्स। तो गाइस वो बंदा आने वाला है, अभी थोड़ा सा हम लोग वेट कर रहे हैं, जस्ट रुके हुए हैं, तो देखते हैं अभी 5 मिनट में अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जस्ट नाहर में रुके हुए इस समय, देख सकते हो काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पे पूरा बना हुआ है। नाहर का बात ही अलग है, उधर की मेंटेनेंस और वगैरह, सोसाइटी भी बहुत अच्छी है। अब तो हम लोग फोटो शूट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो गाइस अभी हम लोग जो है साकी नाके वाले रूट से जाएंगे, तो ये फिलहाल तो ख्या रोड की साइड से हम लोग निकल रहे हैं और अभी यहाँ से हम लोग सीधे अंधेरी का हाईवे पकड़ के जाएंगे, तो मज़ा आने वाला है। रोड भी इस समय खाली होगी, सुबह का माहौल अच्छा लगेगा देख के भी। तो पांडे भाई हमारे जो है दोस्त को लेके आ गए हैं अपने, फिलहाल साथ में है। अभी हम लोग जो है हमारे सामने बिल्कुल गार्बेज की गाड़ी में कचरा उड़ रहा है और हम लोग पहुंचने वाले दोस्तों, अभी जस्ट 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो गाइस हम लोग टच हो गए बिल्कुल स्कॉन टेंपल, देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे पूरा जो एरिया स्कॉन का बिल्कुल बढ़िया, अच्छा ब्यूटीफुल लोकेशन यहाँ पे। अभी पार्किंग के लिए हम लोग जा रहे हैं और ये पूरा स्कॉन टेंपल है, तो पार्किंग इधर अंदर है, 20 रुपीज़ पार्किंग। अभी पहुंच चुके हैं, देख सकते हो ये है अंदर का माहौल। वैसे तो कितने बार आ चुके हैं, तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हो पूरा का पूरा जो है यहाँ पे लोग, भक्त लोग जो कृष्णा कॉन्शियस बोल सकते हो, ये देखो कौन। तो अभी हम लोग आए, पांडे भी है, सब लोग अंदर जाएंगे। तो ये देख सकते हो पूरा मंदिर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है।
तो देख सकते हो ये पूरा जो एरिया है काफी क्लीन है, एनवायरनमेंट एकदम अच्छा है। तो पांडे मूड होएगा, बर्थडे है पांडे का, तो दर्शन वर्शन करेगा और देख रहे हो खुश है बेचारा आज। तो ये है दोस्तों एंट्रेंस, और अभी हम लोग कर चुके हैं एंट्री। झूला बनाया गया है भगवान का, कुछ अलग ही आज का माहौल देखने को मिल रहा है। देख सकते हो भीड़ इतनी नहीं है, 9 बजे के टाइम पे आया हूँ लगभग, तो भीड़ भी इतनी देखने को नहीं मिल रही है, भीड़ भी इतनी ज़्यादा नहीं है और अच्छा लग रहा है देख के। सभी भक्त लोग, कृष्ण भक्त, देखो सब चीज़ें बनाई हुई यहाँ पे, आप डोनेशन वगैरह कर सकते हो यहाँ पे। ये है हमारे, देख सकते हो ऐसे दिख नहीं रहा है लेकिन पूरा जो है कुछ इस तरह का। और यहाँ पे लोग काफी कतार में, आज फिर से हम लोग आए हैं और माहौल देखो सुबह का। तो अभी हम लोग बैठे हुए नीचे, काफी लोग देख रहे हो, सब आ रहे हैं लोग दर्शन के लिए। तो अभी हम लोग नीचे बैठे हुए हैं दोस्तों। तो भाई सभी हम लोग बैठे हुए हैं और काफी अलग अच्छा लगता है जब वैसे जब आप बैठो, अलग ही फीलिंग जनरेट होती है। उम्मीद का तो आप लोगों को सुनाई दे रहा है, कैसा लग रहा है आप लोगों को देख के बताओ, कमेंट करो ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग बैठे हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और पांडे मेरे साथ इस समय, तो अभी हम लोग जस्ट थोड़ा देर बैठेंगे फिर यहाँ से चलेंगे दोस्तों साथ में। ओके दोस्तों, तो गाइस अभी हम लोग बैठे हैं और जैसे कि यहाँ पे आप आओगे ना तो सुकून मिलता है, इतना भीड़ भाड़ नहीं है। जैसे कि मंदिर में हम लोग जाते हैं तो भीड़ होती है, पर ऐसे जगह पे भीड़ है पर एक सुकून है, रुक सकते हो 10-15 मिनट 20 मिनट। चलो अभी चलते हैं अभी हम लोग। यहाँ देख सकते हो दोस्तों ये सब चीज़ें भी ले सकते हो, सब चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, मूर्ति वगैरह सब चीज़ें। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे, चलो दोस्तों है ना अच्छा, सब कपड़े उपड़े सब। सो गाइस अभी जैसे कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे और अभी चलते हैं जूहू पे, तो वहाँ थोड़ा सा इंजॉय करते देखेंगे वहाँ का भी माहौल कैसा है। कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करो, और यहाँ आओ एकदम सुकून है, हर जगह शांति मिलेगी, तो आप लोग 10-15 मिनट आराम से रेस्ट ले सकते हो सब चीज़ें। तो यहाँ देख सकते हो कुछ स्टेज वगैरह बन रहा है, तो कुछ फंक्शन होगा शायद से, तो उसकी तैयारी। दुकान से भी हम लोग पहुँच गए हैं वो बीच, और यहाँ पे ये वैरिगेटर लगाया हुआ है देख सकते हैं आप लोग। तो अभी हम लोग जो बीच पहुँच चुके हैं यही है पूरा, लेकिन यहाँ से दिख नहीं रहे थे, तो ऐसे पूरा जो पैक करके रखा हुआ है, अभी हम लोग अंदर जाएंगे देखिए। तो गाइस अभी हम लोग देखो पहुँच चुके हैं, ये है जूहू, काफी शानदार। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये जगह? काफी हवा जो आ रही है, दोपहर का लगभग 1 बज रहा है फिर भी हवा एकदम ठंडी ठंडी आ रही है, क्योंकि पानी की वजह से, पानी की जो लहर के साथ हवा जो आ रही है यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी है। तो बोटिंग वगैरह भी देख सकते हो, पहले नहीं था यहाँ पे बोटिंग, अभी भी डाल दिया यहाँ पे, बोटिंग वगैरह कर रहे लोग, काफ़ी अलग मज़ेदार व्यू दिखाई दे रहा है। तो गाइस देख सकते हो कितने भीड़ है, दूर दूर तक भीड़। मैंने सैंडल पहने हुए और दिखते हैं शूज पहना हुआ है, तो वो अंदर नहीं जा सकता है, मैं तो जा सकता हूँ वही अंदर। विपिन लोग किधर है क्या पता, कहाँ गए क्या मालूम। देख सकते हो दोस्तों अभी थोड़ा सा अंदर जाता हूँ। वही 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 फर्स्ट टाइम काफी दिनों बाद, अलग ही फीलिंग आ रही है यहाँ पे। आ जा दीपी, शूज निकाल के आ जा, देख रहे हो पूरा इस समय पूरा जो है दोपहर के 1 बज रहे, दोपहर के वो देखो दूर से बाइक चलाते हुए
ऐसी फीलिंग लेनी है दोस्तों, लेंगे लेंगे थोड़े टाइम के बाद। बाप रे मजा ही आ गया यार देख के। तो बोटिंग वगैरह भी है दोस्तों यहाँ पे, अभी ये भी स्टार्ट कर दिया है। और भीड़ देख रहे हो, भीड़ भी बहुत रहते हैं हमेशा जुहू में, तो भीड़ रहता ही रहता है कहीं हो या ना हो। पर जुहू ऐसा जगह है जहाँ पे भीड़ आपको मिलेगी, लोगों का क्राउड रहेगा ही रहेगा, और अच्छा भी लगता है। काफ़ी पुरानी जगह है, अभी फेमस जगह है, लोग एक ना एक बार जुहू तो ज़रूर आते हैं, कहीं नहीं जुहू तो ज़रूर आते हैं। ये बात है जुहू की दोस्तों। तो गाइस देखो जैसे पांडे लोग आ गए, पांडे लोग को ढूंढ रहे थे और अभी मिल गए ये लोग। अभी हम लोग जो है आगे जा रहे हैं, देखते हैं आगे कैसा सीन है, कैसा माहौल है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, भीड़ भी है और ये बोटिंग्स वगैरह ये सब नया कर दिया है ना, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, एक अलग मसाला क्रिएट हो गया यहाँ पर। देख रहे हो दूर दूर तक जैसे कि पूरा का पूरा जो है लोग बोटिंग वगैरह कर ही रहे यहाँ पे, और पूरा भीड़ जो है अलग ही है, लेवल का भीड़ है बहुत, मतलब खूबसूरत तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। क्या अलग अलग चीज़ें बच्चे लोग की खेलने की चीज़ें, गाइस अलग अलग माहौल देख सकते हो सामने, इंटरेस्टिंग है यार। पहले नहीं था ये सब चीज़ें, लेकिन अभी पूरा का पूरा जो है बनाया गया है यहाँ पे, पूरा क्रिएट किया है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत माहौल। सो गाइस ऐसा है देखो, ये है जू, तो अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं यहाँ पे। तो अभी ब्लॉग ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कभी। और ये देख सकते हो कि कैसे मतलब मुंबई के लोग इन्जॉय करते हैं, काफ़ी भीड़ होती है और काफ़ी लोग आते हैं। तो यह है मुंबई की डेली लाइफ स्टाइल। चलो फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय। तो देख रहे हो बैक साइड में पूरा जो है जुहू का व्यू, एंड काफ़ी अलग मज़ा आया। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड शेयर करो लाइक करो, ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस लेके आता रहूँगा, कुछ यूनिक यूनिक चीज़ें दिखाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।